श्री वीरेंद्र डागर जो हमारे सेक्शन ऑफिसर और टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उनके स्वागत के लिए मैं जगदीश यादव अंकल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर का स्वागत करें। मैं राजकुमार सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे एडिशनल डायरेक्टर मुक्ता मेमंडल सर का स्वागत करें। हेलो, हाँ जी मैम, अभी थोड़ा सा बिजी स्कूल सेंट्रल जोन। मैं बना रही हूँ बेटू। करवल सेंट्रल जोन, खिजराबाद हिंदी सेकंड। इसके बाद राजकुमारी मैम सेंट्रल जोन श्रीनिवासपुरी। ये बहुत मेहनती पीईटी है सेंट्रल जोन की, पिछले काफी वर्षों से ये बच्चों के साथ मेहनत कर रही है। मैम आपका स्वागत है। इससे आगे मोहम्मद ताहिर सेंट्रल जोन। ये है ककरोला का साहिब सिंह वर्मा। साहिब सिंह वर्मा है ना दिया, साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। और दीदी को मिला है यहाँ पे अवार्ड, और ये दीदी आती हुई इनको मिला है भाई अवार्ड। वो अवार्ड फंक्शन में हम आए हैं और वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और दीदी कैसी लग रही है ये जरूर बताना भाई। ये देखो विनोद जी खींचेंगे इनकी फोटो। हमारे जोन से चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, हमेशा हर चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए मैम को आज सम्मानित किया जा रहा है। रेणु इंदिरा पार्क का खुबे, ये था डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम ककरोला। हम चल दिए भाई घर, और अब जाना है लकड़ी वाले की शॉप पे। बैठते हैं अपनी सवारी पे। ये दरवाजे के लिए दरवाजे का साइज क्या है? दरवाजे का साइज है 7-3-7-4 का। उसमें ना आपकी वेस्टेज बहुत चली जाएगी अगर ये दरवाजे के लिए पसंद आया था। कहेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये इसमें क्या है, ये बिल्कुल दरवाजे के साइज के आते हैं। अच्छा, और ऐसे चीज उस पर चिपक जाएंगे, कोई वेस्टेज नहीं है, कटिंग ज्यादा निकलेगी उसमें। ये एक्चुअल दरवाजे के साइज के हिसाब से। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, तो भाई सुबह कितने बजे आप लोगों से बात की थी? शायद से 12:30-1 बजे जब लकड़ी वाले शॉप पे थे, उसके बाद से सारा दिन ऐसे ही निकल गया भाई, बिजी 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 बिजी। और जो है अब दीदी है वो भी चली गई है भाई, वो शाम को गई थी 5:30 बजे के करीब। उनको खेल के उससे अवार्ड मिला था जो मैं कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और हाँ जी, आज तो मैंने हेलो जी राम राम जी तो की नहीं आप सबको, तो भाई आप सबको मेरी राम राम आज की। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ ठीक ठीक, थोड़ी थोड़ी देखो भाई लिप्स भी ऐसे हो रखे हैं, खांसी जुकाम इतना बुरा हो रखा है। और ये मुकुल लेट हुई है, ये देखो इसको आज हो रखे उल्टी और लूज मोशन। खांसी में थोड़ा सा आराम है लेकिन वॉमिटिंग और लूज मोशन हो चुके हैं अब इसको। तो ये भाई, और टाइम हो चुका है अब शाम के 8 बजे का।
सुबह मैंने जल्दी जल्दी जितना भी जो भी था वो बस रिकॉर्ड कर लिया था, कुछ बोला नहीं था क्योंकि भाई बहुत सारे लोग थे, टीचर्स थे, पहली बार ऐसे फंक्शन में हम गए थे स्कूल के, सब टीचर्स को वहाँ पे अवार्ड वगैरह मिल रहे थे, तो यही दीदी को भी मिला था और पूरी दिल्ली के जो उनके थे भाई वो अवार्ड जो थे उनके ऐसे कुछ था, तो ये था। तो अब मैं बना रही हूँ भाई नमकीन चावल, थोड़े से बना रही हूँ क्योंकि दीदी ने मंगा दिया था बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा भी खा लिया था इन लोगों ने, तो बस अब थोड़े से चावल बना रही हूँ नमकीन, ताकि मैं विनोद जी और माँ पापा भी खा लें। और 8 बज चुके हैं और मैं अभी तक थी वहीं पे प्लॉट में अपने, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं, हमारा जो रैंप है वो बन रहा है, पत्थर वाले भैया है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो हो जाएगा तो उसके 2 दिन बाद हम गाड़ी अंदर कर सकते हैं, तो गाड़ी फिर अंदर नहीं जाएगी, तो आज ही कंप्लीट होएगा तब 2 दिन में गाड़ी अंदर जाएगी, तो वही सब चल रहा है। तो चलिए अब लगा लेते हैं चावलों में तड़का। गैस जला दी है और इसमें प्याज, टमाटर, आलू, गाजर सब मिक्स, इतना टाइम नहीं था कि अलग अलग करके काट दूं। मटर ले आई, मैं डाल रही हूँ भाई अपना देसी घी, क्योंकि सावन वगैरह जो है तो घी में ही सही बनती है, घी भी खत्म होने वाला है, मलाई और निकालूंगी, ऐसे क्वांटिटी में डाल लो, वैसे तो खाया नहीं जाता इस तरह से, थोड़ा सा घी वगैरह खाया जाता है भाई, और इस बार तो हमने लड्डू वगैरह भी कुछ नहीं बनाया था। जीरा डाल दिया है, अब डालते हैं इसमें हींग, हींग मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ भाई, और मेरे बच्चे एक तो अपना फोन देख रही है अपना, उसने टाइम पास कर लिया, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब है, कल उसका प्रैक्टिकल था वो भी नहीं हो पाएगा, अब देखते हैं परसों होगा, बीमार हो जाते हैं। अब यही रहेगा भाई हमारा, कभी काम है ज्यादा और उसको करना है किसी तरह से कंप्लीट, तो जिस तरह से जो चीज मैनेज होगी उस तरह से उस चीज को मैनेज करेंगे। तो सच बताऊंगा तो शादी की भी मतलब कुछ भी नहीं हो रखा, मैं आपको बताती हूँ, देखो शक्ल देख लो शादी, अभी ये आज संडे है, फ्राइडे से दीदी के घर फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे हल्दी वगैरह, तो लगा देखो मेरे नेल्स क्या लग, मैंने जब से नेल्स निकलवाए उसके बाद से मैंने नेल्स पे नेल पेंट तक अप्लाई नहीं किया है कभी अपना, ना पैरों पे ना हाथों पे, बिल्कुल एज इट इज ऐसे का ऐसे फेस मेरा रहता है, वो सब भी करूँगी और नेल्स सब दोबारा से लगवाऊंगी मैं, जैसे मेरी एनिवर्सरी भी है वो भी उसके बाद फिर से निकलवा दूँगी, लेकिन अब तो दोबारा लगवाने ही लगवाने, अब नेल पेंट में मज़ा नहीं आता, अब नेल्स कराने में मज़ा आता है, तो वो कराऊंगी, तो ये छोड़ दूँ एक बार क्योंकि वहाँ रखने से भी ये सर पे लाइट बहुत पड़ रही है, और 1.5 महीने की बात है, अब पता नहीं मतलब ऐसा हो रखा है कि ड्राई ड्राई सा फीवर जैसा अंदर ही अंदर ऐसा हो रखा है, जैसे बॉडी के अंदर फीवर रहता है तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द, हेडेक, कुछ भाग दौड़ थकान का थोड़ा काम, तो मतलब ये हो गया है कि चेहरे पे थकान दिखती है अब पता नहीं क्यों, और विनोद जी का क्या होता होता ना, उनका तो वेट भी इतना कम हो गया है बहुत ज़्यादा, मेरा होता नहीं है उनका हो जाता है जी। खाना खाते हुए राम राम जी, सारे दिन से आप बैठे हैं भाई, और मैंने भी अपना खाना डाल लिया है, तो अब खाते हैं हम अपना खाना, आप लोग भी खा लीजिएगा हमारे साथ, आ जाओ जिसको खाना है, तो करते हैं ना डिनर।
मैं बेचारा मरीज ही। बेड टाइम हो चुका है साढ़े दस बजे का। सॉरी भाई खांसी हो रही है बहुत ज्यादा। तो टाइम हो गया 10:30 का और विनोद जी लेट चुके हैं और हमने भी दूध वगैरह का जो है मुकू को दवाइयां देना सारा हो गया है, खाना पीना सब निमट चुका है। और अब मुकू की बात सुनो। हाँ बोलो भाई। इकोनॉम पाउच कड़वा लगता है ना, कॉन्डी मिलाकर पी लो, टेस्ट नहीं आएगा किसी चीज का। ठीक है, कल और मंगाऊंगी। मैं भी जा रहा बच्चा। अब यही है भाई, आज मैंने ज्यादा बड़ा व्लॉग तो नहीं बनाया पर आप लोगों के साथ शेयर किया भाई आज दिन में जो जो काम किए हैं, जो निपटाया। और भाई काम तो बस घर ही है और कुछ नहीं है, उसी के रिलेटेड सारे काम है। कहीं आना जाना नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कोई शॉपिंग नहीं एक डेढ़ महीने से, कुछ भी नहीं शॉपिंग, कुछ भी नहीं। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलेंगे फिर से आपसे अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड राम राम जी।